तो आज हम बनाएंगे मिनी केक। जब भी आपको केक खाने का मन करे तो आप इस रेसिपी को झटपट से बना सकते हैं और ये बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 4 बर्बन के बिस्किट के पैकेट ले लिए हैं 10 रुपए वाले, और अब हम इसे इस तरीके से तोड़ लेंगे क्योंकि हम इसे ग्राइंड करेंगे। अगर आप इसे नहीं तोड़ेंगे तो वो अच्छे से ग्राइंड नहीं हो पाएगा। और अब मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है और यहाँ पे मैंने एक बोल ले लिया है, हम इसे इसमें डाल देंगे। और अब 1/2 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर और 2/3 टेबल स्पून बेकिंग सोडा, और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिल्क डालेंगे। यहाँ पे मैंने जो मिल्क लिया है वो रूम टेम्परेचर पे है, ना ही ये ज़्यादा गर्म है और ना ही ठंडा, ये बिल्कुल नॉर्मल है। और अब हम इसे एक ही डायरेक्शन में इस तरीके से घुमाते हुए इसे मिक्स करेंगे, और यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा करके मिल्क डालेंगे क्योंकि अगर आप एक साथ मिल्क डालेंगे तो बैटर जो है वो थोड़ा पतला हो सकता है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे 8 से 10 मिनट के लिए इसे अच्छे से बीट कर लिया है, और अब आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके से होनी चाहिए। और यहाँ पे मैंने ये चॉकलेट ले लिया डेयरी मिल्क का। अब हम यहाँ पे अप्पे पैन ले लेंगे और इसे ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ये बैटर को डालेंगे। हम एक साथ ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमें चॉकलेट भी डालना है बीच में। तो इस तरीके से हम पहले पूरे साइड में जो है उसमें डालेंगे और लास्ट में बीच में, क्योंकि अगर आप पहले ही बीच वाले में डाल देंगे तो वो जल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम लो ही रखा है, और अब हम इसमें एक एक करके चॉकलेट भी डाल देंगे, और इसके बाद हम ऊपर से थोड़ा और ये बैटर को डाल के पूरा फिल कर देंगे। और अब हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए ढक के पकने देंगे, और यहाँ पे हमारा गैस का फ्लेम एकदम कम ही होना चाहिए, अगर ये थोड़ा सा भी ज़्यादा होगा तो वो जल सकता है। और अब यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं, हम इसे ठंडा होने देंगे। और अब ये ठंडा हो चुका है, मैं आपको यहाँ पे एक तोड़ के दिखाती हूँ केक कितना स्पॉन्जी बना, आप देख सकते हैं। और अब हमारा मिनी केक बिल्कुल तैयार है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।